ये सब मिला के मुझे झटका लगा है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नया दिन इसलिए है और नई वाइब्स इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहाँ के सैलून लेके जाने वाली हूँ और मैं अपने बाल जो है वो थोड़ा सा चेंज करवाने वाली हूँ बिकॉज़ मैं बहुत बोर हो गई हूँ इससे, प्लस यहाँ से बहुत बड़े हो गए हैं तो जब मैं बांधती हूँ तभी अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बहुत टाइम से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, यू ऑल लवलीज लेडीज़ जो मुझे कमेंट कर रही थी और बोल रही थी कि उन्हें यहाँ के सैलून देखने हैं, यहाँ के प्राइजेस देखने हैं कि प्राइजेस कैसे हैं, लोग कैसे होते हैं सैलून में, तो वो सब दिखाने वाली हूँ। और ये बहुत भारी जो खर्चा है वो मेरे ऊपर आने वाला है आज बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कितना पैसा लिया है बिकॉज उन्होंने अभी अप्रॉक्सीमेटली बताया है और बिकॉज कलर करने में टाइम ज़्यादा लगता है लाइक 4-5 घंटे, तो मैंने अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते पहले ली थी। मतलब डू यू इमेजिन, 2 हफ्ते पहले पैसे भी मैं ही खर्च कर रही हूँ, 2 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट भी मैं ले रही हूँ, बट ठीक है अपॉइंटमेंट तो मिल गई तो अब हम लोग जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ चल रहे हो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वहीं पर चल के। सो एज प्रॉमिस्ड, वेलकम टू जर्मनी का हेयर सैलून। We'll show you saloon plus prices कैसे होते हैं यहाँ के। And because this is corona time, तो extra care करी हुई है सारी ही जगह। तो गाइज यहाँ पर अगर आपको कुछ भी सर्विस कराना है तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो कि मैंने ली थी 2 हफ्ते पहले। एंड देन बिकॉज हम लोग इंडियन हैं और हम लोगों को प्राइजेस का पहले से ही पता होना चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने बहुत सारे सैलून के चक्कर लगाए टू नो द प्राइजेस। एंड फाइनली मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर प्राइजेस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। हो सकता है मेरे पापा ये वीडियो देखें और गुस्सा करें क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है मैं अपने बाल कटवाऊं या फिर कलर करूं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक ये 15th या 20th टाइम है जब मैं बाल चेंज करवा रही हूँ और कलर करवा रही हूँ। वैसे मास्क में देख के आप लोग मुझसे डर तो नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी है मास्क पहन के रखना और यहाँ के प्राइसेस भी सैलून के इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज इन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है एट द टाइम ऑफ कोरोना, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड आई वॉज लाइक, बहन जी कर क्या रही हो, मतलब पूरा मेरा मुंह जो था इसने ये एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया था, बट शी इज सुपर फास्ट सुपर गुड, मतलब बहुत ही अच्छी थी प्रोफेशनली। अभी बिकॉज मैं यहाँ पर हेयर सैलून में आई हूँ तो मैं आपको हेयर सैलून के प्राइजेस बता देती हूँ। वुमेन के हेयर कट के प्राइजेस होते हैं वो कुछ 40 यूरोज होते हैं, पर बिकॉज ऑफ कोरोना 47 यूरोज हो गए हैं बिकॉज आपको वॉश करवाना भी इम्पॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा केयर करना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब 3000 से ऊपर जो है 2-4000 यहाँ पर सिर्फ हेयर कट के प्राइजेस हैं फॉर वुमेन। एंड जब मेरे बाल ऐसे ब्लॉन्ड हो गए तो मैं डर गई कि क्या मेरे बाल ऐसे ही हैं, आई डोंट नो मतलब आगे क्या होने वाला है, बट दिस वॉज द सिचुएशन वेयर मैं ऐसे ये बोल रही थी प्लीज यार आप फिर से मेरे जो बाल हैं वो पहले जैसे कर दो। जस्ट सी माई फेस, आई एम वरीड, क्योंकि मैंने कभी भी इतना लाइट कलर का बाल नहीं करवाया था।
वेल तो सबसे पहले मैंने इसे पिक्चर दिखाया था, तो उसने पहले हाईलाइट किया एंड देन ओवरऑल कलर करेगी। एंड पहले मैं आपको बता देती हूँ, वुमेन्स के तो मैंने प्राइजेस बता ही दिए, मेंस के हेयर कट के प्राइस हैं 21 यूरो। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बार्बर के पास जाके 10-20 रुपए में करवा लेते हैं, और बिकॉज ऑफ कोरोना 28 यूरो, लाइक 1700 से 2300 जो है वो मेंस हेयर कट ओनली के प्राइजेस हैं यार। वेल सुरभि, व्हाट अबाउट किड्स? हाँ यार, किड्स के भी तो बताने, किड्स के प्राइजेस हैं 15 यूरो टू 20 यूरो, मतलब कुछ 1200 रुपीज टू 1700, विच इज अगेन बहुत ज्यादा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। एंड मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे ये कलर बहुत लाइट लग रहा है अपने हेयर्स के लिए। एंड दिस इज माई फाइनल हेयर्स, जो मेरी इस लेडी को तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उसने बोला यार डार्क कौन कराता है, लाइट ही तो सब कराते हैं। मैंने बोला यार मैं इंडियन हूँ और हम लोगों को अननेचुरल नेचुरल ही चीजें चाहिए होती हैं। वेल, बिकॉज ये हेयर स्टूडियो है तो हेयर से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, और हेयर कलर यहाँ पर स्टार्ट होता है 2975 से, जो अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है, और मेरे जो हेयर्स हैं वो इनकी नजर में एक्स्ट्रा लॉन्ग है। ओ माई गॉड, इट्स नॉट। वेल, इट वॉज बिफोर सम मंथ्स। टू बी श्योर, मैंने बाहर भी एक शूट किया ताकि मुझे पता चले कि ये अच्छे आए हैं या नहीं, क्योंकि अगर मुझे ये ठीक नहीं लगते हैं तो वो चेंज करने को तैयार थी बिना कुछ पैसे लिए। गाइस, मैंने हेयर कट करा लिया है एंड मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीपक, कितना पैसा खर्च करवा दिया मैंने तुम्हारा? सारा। इंडिया में कितने रुपए लगते हैं? इंडिया में लगते हैं, मैंने जितनी भी बार कराया है, मैं थोड़ा जो सही साठ रेट होते थे उधर से कराती थी, मैक्सिमम 4000 से 5000, और जब मेरे बहुत लंबे बाल थे। यहाँ तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर जो हेयर कट, ये हेयर कट प्लस कलर हाईलाइट्स, वहाँ मैं हाईलाइट्स नहीं कराती थी प्रदीपक, यहाँ हाईलाइट्स पे कराई है, ये सब मिला के मुझे झटका लगा है 12000 रुपए का। वाह! अच्छा, आप लोग कमेंट करना कि नीचे की आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, कम है, वॉट एवर। बहुत टाइम बाद मैं गई, मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं चीज़ें। प्लस आपको सैलून दिखाना था, प्राइजेस बताना था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाती हूँ। वीडियो कैसा लगा, मेरे बाल कैसे लगे और मेरा न्यू हेयर स्टाइल कैसा लगा वो ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करना। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।